हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ की खुशी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के सुंदर से शहर बागेश्वर से। तो हम लोग अपने घर पहुँच चुके थे दिवाली सेलिब्रेट करके, और आप लोगों की दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो अपने घर आके ना एक दो दिन तो मुझे घर में आके साफ़ सफाई से लगे, क्योंकि घर बंदे रहता है ना तो धूल धूल हो जाती है, क्योंकि रोड साइड का ही घर है। तो साफ़ सफाई में ही लग गया मेरा, और अब कपड़े वपड़े आके सारे जाड़ों के, अब ठंडा होने लग गया ना सुबह शाम, तो जाड़ों के कपड़े भी मैंने निकाल के उनको धोना धाना सब वो सब करा। तो एक दो दिन मेरे ऐसे ही रह गए, तो मेरा व्लॉग भी नहीं आ पाया। तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत फिर से कर रही हूँ। हाय कर दो। हाय। हाय करो बेटा। हाय। हाय बोलो। हेलो, प्रणाम कर दो। चलो प्रणाम। जीविका क्या खा रही हो आप? चॉकलेट। और जीविका का फ्लावर कहाँ है? यहाँ। इतना सुंदर फ्लावर, बिल्कुल जीविका की तरह है ना ये तो, है ना? इतना प्यारा सा फ्लावर है ये तो, जीविका की तरह बिल्कुल, है ना? गाइज, आप लोगों को ना मेरे फ्लावर्स दिखाती हूँ। जैसे मैया देखो, बिल्कुल हरी भरी सी हो रखी है। ये खाली हो रखा है, इसमें मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ फूल बोऊं करके, तो ये कुछ बोऊंगी इसमें। और देखो, ये भी बिल्कुल हरा भरा सा हुआ है, गेंदे का फूल। धनिया भी इसमें काफ़ी अच्छे से जमने लग गया है। और इसमें मैंने बो रखा है लहसुन, और इसमें भी फूल ही है, और एक दो लहसुन की कलियाँ भी डाली हुई है। और देखो ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, ये देखो कितने प्यारे से गेंदे के फूल हो रखे हैं मेरे, ये देखो। और इसमें ये केले के पेड़ में भी ना काफ़ी अच्छा धनिया जमने लग गया है, देखो। अब बाद में सब्जी में डालेंगे बेटा, छोड़ो। और ये देखो गाइस, इसमें तो काफ़ी सुंदर फूल आ रखे हैं, देखो। वाह, देखो, तोड़ना मत, तोड़ना मत, तोड़ना मत, तोड़ना मत बेटा। नो, तोड़ना मत, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और गाइस, इसमें भी देखो कितने सुंदर फूल आ रखे हैं, देखो, ये देखो। हाँ वाह है, जीविका तोड़ियो मत। ये देखो, इसमें भी फूल और इसमें भी फूल, देखो। घर के आगे ये छोटे मोटे ना फूल बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी बहुत सब्जी भी बोऊं, जैसे कि मैंने धनिया बो रखा है, लहसुन बो रखा है, और अब ना मतलब जैसे डेली यूज़ की सब्जियाँ, पुदीना वगैरह, मतलब जो छोटी मोटी अपनी किचन गार्डन में बोनी ही चाहिए ना, प्याज व्याज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं अब इन ग्रो बैग्स में बोऊंगी, ताकि मतलब छोटी मोटी चीज़ें जैसे धनिया वनिया हो गया, वो हमको खरीद के खाना ना पड़े, घर में ही अपना ऑर्गेनिक हो जाए। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपना ऑर्गेनिक अपनी मेहनत से बोया हुआ खाने में तो मज़ा ही कुछ और है। तो मैं भी ना आजकल खेती बाड़ी का काम चलने लग गया है, खेतों में गुड़ाई बोआई चलने लग गई है। तो सभी लोग ना, गांव की महिलाएं ना, गोबर लेके आती है खेत में डालने के लिए, गाय का गोबर। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे गोबर के इतने सारे लगाए हुए हैं, देखो यहाँ पे। तो ये एक एक डुक्का जैसे लाके ना यहाँ पे डालते रहते हैं, और यहाँ पे ये नाली बना रखी है ना, जो ये पानी के लिए बना रखे हैं, तो वहाँ से पानी आता है, तो ये नाली के ज़रिए पूरे खेतों में फैल जाता है पानी, तो इससे खेत गीला हो जाएगा। अब इसमें ना गुड़ाई वगैरह करेंगे इसकी पूरी, मतलब ये खेत पूरा खोदेंगे और फिर इसमें सब्जी वगैरह बोएंगे लोग। तो यहाँ पे जो गोबर लेके आ रही थी ना आंटी लोग, तो उन्हीं लोगों से मैंने भी थोड़ा सा गोबर मांगा अपने पौधों में डालने के लिए, और गाय का काऊ डंक डाल के अपने पौधों को भी चमका दिया बिल्कुल। दिवाली आती है ना, दिवाली आने के एक महीने पहले से ही तैयारी हो जाने लगती है, काफ़ी टाइम पहले से ही तैयारी हो जाने लगती है। साफ़ सफाई हो गया, लाइट लगाना हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो और दिवाली जाने के बाद इन लाइट्स को निकालना, सारी मालाएं वगैरह जो भी लगाई हैं उन सब मालाओं को निकालना, तो ये काम स्टार्ट हो जाते हैं। कविता दी ने कंटर में बो रखा है पुदीना, और कितना अच्छा पुदीना हो रखा है कविता दी का, देखो। भी देखो किस तरीके से पूरा गोबर डाला हुआ है, तो ये पूरे खेत में भी गोबर डालेंगे। और यहाँ पे तो इन्होंने जो बोया था ना, पालक बो रखा है और मूली बो रखी है साइड साइड में, तो ये हो भी गई है, देखो जमने भी लग गई है, काफ़ी अच्छा पालक हो रहा है इनका। और वहाँ पे वो आंटी का खेत है, तो आंटी ने वहाँ पर लहसुन बो रखा है। तो गाइज, यहाँ मेरे बंदर आ गए देखो, और मैंने इनको ना पपीता बचा हुआ था एक पीस, तो पपीता दिया है, और दिवाली के कुछ लड्डू थे जो कि हम लोग खा नहीं रहे थे, तो वो लड्डू दिए हैं। तो देखो दोनों बैठ के कितने मज़े से खा रहे हैं, देखो।
दोस्तों जानवरों को जब तक हम मारेंगे नहीं, जब तक छेड़ेंगे नहीं ना, वो तब तक हमें काटने के लिए नहीं आएंगे, तब तक हमें हमारा नुकसान नहीं करेंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें मारेंगे नहीं या फिर हम उन्हें भगाएंगे नहीं। इन जानवरों को भी अपनी जान की परवाह होती है जैसे हमें होती है। अभी नहीं देख लो खाते खाते कितना ज़्यादा डर रहे हैं, सोच रहे हैं कोई हमें मारे ना भगाए ना। बहुत मासूम होते हैं दोस्तों ये। हाँ कोई कोई जानवर ना काटने के लिए आते हैं, खतरनाक भी होते हैं, तो संभल के उनको खिलाना पिलाना चाहिए। लेकिन ना दोस्तों जानवर बहुत मासूम होते हैं, बेजुबान होते हैं, तो इनको ना मारना नहीं चाहिए और भगाना भी नहीं चाहिए। आए तो इनको कुछ ना कुछ खाने को दे देना चाहिए, क्योंकि ये भी हम ही इंसानों से ही आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमको कोई देगा। तो जब से हरी सब्जी का सीज़न हुआ है ना दोस्तों, हरी पत्ते वाली सब्जियों का, तो तब से तो मेरे घर में डेली ही हरी सब्जी बन रही है। तो मुझे तो हरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। ये देखो मेरी हरी सब्जी, या आज भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और ना ये ना काली काली से इसलिए हुई है ना, क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में ही बनाई है। लोहे की कढ़ाई में बनाते बनाते ना थोड़ी काली हो जाती है, लेकिन इससे आयरन मिलता है और बहुत ही टेस्टी। पहाड़ों में तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आज पड़ोस की आंटी लोगों की जिन जिन के खेत हैं यहाँ पे, जिनकी हरी सब्जियाँ होती है ना, तो वो लोग दे देते हैं, या तो फिर जिस दिन कोई देता नहीं है तो उस दिन मैं खरीद के लेके आ जाती हूँ, फिर हरी सब्जी बनाती हूँ। तो दोस्तों जीवी के पापा मैं ना मार्केट जा रहे थे, तो मार्केट जाते जाते ना यहाँ पे एक रैली निकलते हुए आ रही है, जो कि कांडा ब्लॉक के बनाने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। तो गाड़ी खड़ी करके हम लोग भी अब मार्केट को पैदल पैदल जा रहे हैं जीवी के पापा में। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, कितनी ज़्यादा भीड़। तो पैदल पैदल चलते हैं मार्केट की ओर, और इस रैली में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है पूरी मार्केट में ना, एकदम खचाखच गाड़ियों से भर रखी है पूरी मार्केट, और चलने की भी जगह नहीं हो रही है। दोस्तों आज तो ऐसा लग रहा है ना हम यहीं फंसे रह जाएंगे और हमारा काम भी नहीं हो पाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखो हम लोग चल भी नहीं पा रहे हैं इस भीड़ में, खचाखच बिल्कुल, गाड़ियाँ भर रखी हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये लोग ना शायद नुमाइश खेत तक का जाएंगे, तो बीच रास्ते से ये लोग कट हो जाएंगे, उसके बाद आगे का रास्ता हम लोगों को शायद साफ मिले। गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बाइकें भी चल रही हैं, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी जाम में फंसी, हम लोग भी जाम में फंस जाते अगर गाड़ी से आते। तो हम लोग आगे गाड़ी खड़ी करके अब पैदल पैदल चल रहे हैं, जुलूस के साथ मार्केट को पैदल पैदल ही जा रहे हैं। अगर गाड़ी लेके आए होते ना तो फंस जाते हम लोग भी इस जुलूस में। तो नुमाइश खेत को ही रैली जा रही है, और काफ़ी आगे तक का हम भी पैदल पैदल आ गए हैं मार्केट में, और अब ये रैली यहाँ से नुमाइश खेत की ओर जाएगी और हम यहाँ से मार्केट की ओर कट जाएंगे। तो मार्केट भी कुछ काम है, मार्केट करेंगे काम और सब्जी वगैरह लेते हुए घर की ओर निकलेंगे। हम लोग यहाँ सब्जी लेने आए थे हॉस्पिटल के आगे, और देखो ये अम्मा सब ने सब्जी ली। सब्जी लिया तुम लोग, ले जो देखना अम्मा। अम्मा हाय, चार कोट पे हुई नी बेला अम्मा। कहाँ बटी? अमसार कोट बटी। देखो तो तू ये तो सुंदर मूल ले ली बे रे अम्मा, यहाँ तो तू ठुल ठुल मूल अम्मा, गरम मूल छन्ना यो गरम मूल घरे लाई, और घला गरम मूल गरम मठाला दिया ला अम्मा आलम यो मठा मठा पी बेर खुश है गी है ये देखो। चलो हिटो ठीक छ अम्मा, हो जाओ बाय। तो दोस्तों मार्केट गए हुए थे जीवी के पापा और मैं कुछ सामान लेने के लिए, और आज हमारी टीवी भी आ गई नहीं, तो मार्केट ना इसी टीवी को लेने के लिए गए हुए थे। तो टीवी भी आ गई, और आज इसकी इंस्टॉलेशन भी है, तो कंपनी वाले आए हुए हैं इंस्टॉल करने के लिए टीवी को, अभी तक इंस्टॉल भी नहीं हो रखी है। तो यहाँ आई हुई हमारी टीवी, और देखो ये भैया आए हुए हैं इंस्टॉल करने के लिए टीवी को, अब यही कंपनी से आए हैं इसलिए यही टीवी को खोल रहे हैं। देखो इसकी टीवी की अनबॉक्सिंग हो रही है, वाओ। काफी बड़ी है, तो ये पड़ी हुई है हमारी टीवी, देखो
ये अब जब लग जाएगी ना तो तब पूरी तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज हमारी नई टीवी आ गई। तो दीवार पे दोस्तों टीवी भी लग गई है और इसको ना भैया अब इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें इंटरनेट कनेक्शन करके नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं और अब हमारी टीवी चलने वाली है कुछ ही देर में। तो सबसे पहले ना इस टीवी में मैं अपना चैनल लगाऊंगी। तो ये देखो वाव, अब सब्सक्रिप्शन लेके तो फाइनली टीवी चलने लग गई। देखो सबसे पहले ऐड ही आया इसमें। दोस्तों अपनी इस टीवी की इस तरीके से अनबॉक्सिंग करने का मज़ा ना बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि आईफोन की अनबॉक्सिंग करने में आता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आज मैंने अपनी टीवी की भी अनबॉक्सिंग कर दी। घर में एक भी चीज़ नहीं जुड़ती है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी टीवी पे पहली बार मैं आ गई, देखो हमारी टीवी में मेरा व्लॉग आ गया। आज तो सच में टाइम का पता ही नहीं चला, शाम हो गई, खाना बनाने का टाइम भी हो गया और आज तो हम लोग दिन भर टीवी देखने में लग गए। जब से टीवी लगी अपने सारे व्लॉग्स देखे तो काफ़ी अच्छा लगा आज टीवी में अपने आप को देख के, व्लॉग्स देख के। तो टीवी की भी नीड थी दोस्तों, जब बच्चों के घर में ना तो टीवी चाहिए ही होती है, तो हम लोगों ने भी आज टीवी भी जोड़ ली। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपनी टीवी में मैंने तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अब बाकी आप लोग भी जो लोग नए जुड़े हो मेरे चैनल में आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाले व्लॉग सबसे पहले आप देख सको, और कमेंट लाइक शेयर सब कुछ कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।